सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कैसे हुई, ये सच किसी भी वक्त देश के सामने आ सकता है। सत्य की लड़ाई है जब तक इसे लड़ना, जब तक सत्य बाहर नहीं आ जाता। सुशांत सिंह राजपूत का मामला होने के बाद कई सारे लोगों का नाम इस पूरे मामले में निकल के आया जिनके ऊपर सवाल उठे, पर आज वही लोग पिक्चर बना रहे हैं और कई सारे बड़े बड़े लोग उस पिक्चर को प्रमोट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आपको बता दिया जाए, समीर वानखेड़े जी को लेकर जहां पर बड़ी खबर निकल रही थी वहीं पर एक चौंकाने वाला ट्वीट सामने निकल के आता है। और तीसरी बड़ी खबर ये है कि बॉलीवुड की स्थिति आज कहां पर है, आज आपको हम साफ कर देंगे। सबसे पहले हम आपको यहां पर बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत का मामला, जिस मामले को 3 साल होने वाले हैं, इस मामले को लेकर कई बड़े खुलासे तो होते आए हैं, पर उन खुलासों के बाद कोई अपडेट एजेंसी की ओर से निकल के नहीं आई है। जहां पर दावा यह हो रहा है कि इस मामले में कई सारे गवाह निकल के आए, जैसे रूप कुमार शाह हो, कई अलग अलग लोग हो, पर उन गवाहों के आने के बाद यह मामला एक्टिव होता है और कुछ दिन के बाद फिर से यह मामला शांत हो जाता है। पर अब कहा जा रहा है कि देखा गया कि इस पूरे मामले में एक सुशांत के दोस्त बनकर आए थे 14 जून को, वो अब फिल्में बना रहे हैं और 14 जून 2020 के बाद से लेकर अब जाकर उनकी चौथी फिल्म भी आ चुकी है। उनका नाम आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, उनका नाम है संदीप सिंह। जी हाँ, कहा जा रहा है कि आज मैंने एक ट्वीट देखा जहां पर कहा जा रहा है कि संदीप सिंह को क्या अब पद्मश्री मिल सकता है। ऐसा क्यों कुछ लोग लिख रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि संदीप सिंह ने बहुत जल्दी 4 फिल्में प्रोड्यूस कर दी हैं और ये चारों की चारों फिल्में देशभक्ति के ऊपर है। जहां पर कहा जा रहा है कि उनकी एक फिल्म निकल के आ रही है जिस फिल्म का नाम है अटल, और दूसरी फिल्म निकल के आ रही है जिस फिल्म का नाम है बाल शिवाजी, तीसरी फिल्म निकल के आ रही है टीपू, और चौथी फिल्म है गोडसे। तो सोचिए यहाँ पर संदीप सिंह, जिनको लेकर सवाल बहुत उठे थे, पर आजकल ये कई ऐसी फिल्में बना रहे हैं जो फिल्में देशभक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं। क्योंकि इनकी सरबजीत फिल्म निकल के आई थी, आपको याद होगा, वो फिल्म भी एक ऐसी फिल्म थी जो लोगों के साथ कनेक्ट हुई थी। और आज कहा जा रहा है कि फिर से एक फिल्म का टीजर देखने को मिलता है जिस फिल्म में रणदीप हुड्डा देखने को मिलते हैं, और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है संदीप सिंह के द्वारा। और इस फिल्म को कई सारे लोग अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर कर रहे हैं, जहां पर बड़े बड़े राजनेता भी हैं, बड़े बड़े राजनेता हैं जिनको लेकर सुशांत के फैंस को कई उम्मीदें हैं कि वो लोग सुशांत केस को लेकर कई बड़ी बातें बताएंगे देश को, सुशांत केस का सच सामने ला के रखेंगे। पर देखने को क्या मिलता है कि कई सारे लोग संदीप सिंह की पिक्चर को प्रमोट कर रहे हैं। अब इसी को लेकर कई सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं कि संदीप सिंह को बहुत जल्दी हो सकता है कि पद्मश्री भी दे दिया जाए, ऐसा हो सकता है। पर आपको क्या लगता है, संदीप सिंह को लेकर जितने सवाल उठे शुरुआत से, उनको रिपब्लिक में जब अर्णब गोस्वामी ने बैठ के सवाल पूछे उनसे, उनके अलग अलग बयान को लोगों ने कंपेयर किया, तो कई सारी बातें निकल के आईं। उसके बावजूद आज लगातार वो फिल्में प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बावजूद आज देखने वाला विषय है कि क्या सुशांत को न्याय मिलेगा, अगर मिलेगा तो कब मिलेगा। आने वाली 14 जून को लगभग 3 साल पूरे होने वाले हैं, तो सोचिए 3 साल पूरे होने को आए हैं और इस मामले में सुनने को क्या मिलता है। एक पर्सन शो के गैंग लीडर बन जाती हैं, दूसरा पर्सन जो है वो पिक्चरों में अच्छी खासी प्रोड्यूसिंग कर रहा है, तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस मामले में चल क्या रहा है, कोई नहीं जानता। पर वहीं पर अगर हम बात करें तो समीर वानखेड़े जी को लेकर पिछले कुछ दिनों से कई बड़े खुलासे हुए। समीर वानखेड़े जी कौन, जिन्होंने एनसीबी में एज अ जोनल डायरेक्टर के रूप में कदम रखा और पिछले 1-2 सालों में कई सारे लोगों को उन्होंने पकड़ा, जिसके बाद उनको कई लोगों का सपोर्ट मिला, कई सारे लोगों ने उनको सपोर्ट किया। पर अचानक से उनकी लाइफ में एक केस आता है, वो केस था क्रूज वाला केस, और क्रूज वाले केस में वो अरेस्ट करते हैं आर्यन खान को, जिसके बाद से कहा जाता है कि उनकी लाइफ बिल्कुल बदल गई। और वो ऐसे बदली कि उनके ऊपर लगातार आरोप लगते रहे और आरोप इतने लग गए कि सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आना पड़ा, एनसीबी ने अपनी विजिलेंस टीम को लगा दिया जाँच करने के लिए, और ये मामला बड़ी तेजी से दिल्ली हाईकोर्ट से बॉम्बे हाईकोर्ट तक पहुँच गया। पर अभी कहा जा रहा है कि इस मामले में फिर से कुछ खबर निकल के आती, उससे पहले ही केआरके ने एक ट्वीट कर दिया। और केआरके ने ट्वीट किसको लेकर किया, केआरके ने ट्वीट किया है जहां पर शाहरुख खान जो है उन्होंने जब देश के पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा था तो उसको लेकर ट्वीट किया था, उसी के ऊपर एक केआरके ट्वीट करते हैं, देखो इस दुनिया में हर चीज़ की कीमत है। शाहरुख खान साहब को भी समीर वानखेड़े को ठिकाने लगाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है, मतलब साफ साफ इन बातों को अगर हम पढ़ें, एक एक शब्द को पढ़ें, तो केआरके का कहने का मतलब है जो शाहरुख खान है वो ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि समीर वानखेड़े जी को ठिकाने लगाया जाए। अब ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कहना है केआरके का, और केआरके के एक एक शब्द बहुत सारी बातें बयां करते हैं। केआरके यहाँ नहीं रुके थे, केआरके ने एक और ट्वीट करा था, दूसरे ट्वीट में वो लिखते हैं कि एक बार शाहरुख खान साहब ने कहा था और बिल्कुल सही कहा था उन्होंने, ये ट्वीट उनका बहुत पुराना है। शाहरुख खान कहते हैं कई बार आपको
सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग, मतलब जो स्थिति चल रही होती है उसके अकॉर्डिंग चीज़ों में ढलना होता है और उसी के अकॉर्डिंग चलना होता है। तो कुछ ऐसा करके शाहरुख खान जो है उन्होंने ट्वीट किया था, और इसी क्या रिट्वीट करते हुए KRK ने लिखा है कि भैया बहुत बढ़िया, यही जो बात लिखी है आपने बिल्कुल सही बात की। और इसी को लेकर KRK कह रहे हैं कि देखो भाई आज के टाइम पे लोगों को क्या क्या करना पड़ रहा है। तो बहुत सारी बातें इन बातों को लेकर उठ रही हैं, पर इसी के बीच अगर सवाल ये उठे कि क्या समीर वानखेड़े जी को लोग ठिकाना लगाना चाहते हैं, क्या समीर वानखेड़े जो एक NCP के ऑफिसर हैं जो अभी दूसरी पोस्ट में आ चुके हैं पर कहीं ना कहीं UPSC की परीक्षा पास करके उन्होंने वो गद्दी पाई, तो क्या उनको लोग ठिकाना लगाना चाहते हैं। KRK तो इस पूरे मामले में खुल के सामने निकल के आ गए हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार अगर इस मामले में उनको क्लीन चिट मिलती है जो समीर वानखेड़े जी हैं उनको, तो क्या उनके पीछे जो एक काम करवा रहा था या फिर उनको लेकर जिस तरीके से साजिश रची गई इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है अगर इस पूरे मामले में क्लीन चिट मिलती है तो। अभी ये मामला कोर्ट में है, अभी इस मामले की जाँच CBI कर रही है, तो हम अपनी प्रक्रिया तो नहीं रखेंगे, सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं कि इस मामले में ऐसा होता है तो क्या हो सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार समीर वानखेड़े जी को लेकर जहाँ पर कई सारे लोग अलग अलग अपनी प्रक्रिया रख रहे हैं, वहीं पर KRK ने जो बात बोली है ये बहुत चौंकाने वाली है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो देखते हैं कि भाई ये काम को रोक रहा है, ये काम में अड़चन डाल रहा है, ड्रग्स को रोक रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं अगर ड्रग्स गलत है तो ड्रग्स में पैसा बहुत है, और गलत चीज़ों में अगर पैसा है तो बड़े बड़े लोग उन चीज़ों में अपना हाथ जरूर डालते हैं, क्योंकि पैसा कमाना है तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं। तो इसी को लेकर कहा जाता है कि जब एक शख्स अगर उन चीज़ों को रोकता है, ड्रग्स को रोकता है, तो बहुत सारे लोग निकल के आ जाते हैं, भैया हमारे काम को रोक रहे हो, हमारे पैसे को रोक रहे हो, अगर ड्रग्स रुक जाएगा तो हम अमीर कैसे बनेंगे, कई लोगों की सोच ऐसी होती है। तो हो सकता है कि इसी दुश्मनी के पीछे कोई उन पर वार कर रहा हो, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, ये मामला कोर्ट में है, पर समीर वानखेड़े जी को लेकर अभी तक फिलहाल कोई बड़ा सबूत निकल के नहीं आ रहा है। विजिलेंस टीम जो है जिसने जांच करी थी समीर वानखेड़े जी को लेकर, उन्होंने उनकी प्रॉपर्टी को लेकर जांच करी, उनके बारे में जाना तो पिछली कुछ ट्रिप निकाल दी कि फॉरेन में वो गए थे तो किसके पैसे से गए थे, एक घड़ी थी उनके हाथ में 22 लाख की जिसको उन्होंने 17 लाख में खरीदा था, उस बातों को लेकर निकाला, उनकी जांच चल रही है, CBI के पास 2 बार ये जा चुके हैं, तीसरी बार भी जल्द जा सकते हैं अगर CBI इनको बुलाएगी पूछताछ के लिए। तो अभी ये मामले की जांच चल रही है, पर इस मामले में देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार अंत में इस मामले का सच क्या निकलेगा 8 जून को जब इस पूरे मामले की हियरिंग होगी बॉम्बे हाई कोर्ट में। और तब तक समीर वानखेड़े जी को तो प्रोटेक्शन है ही इस मामले में, उनको गिरफ्तार कोई नहीं कर सकता फिलहाल, ऐसा कहना है कोर्ट का। और दूसरी तरफ अगर हम आपको बताएं कि बॉलीवुड को लेकर क्या खबरें निकल के आ रही हैं, तो बॉलीवुड को लेकर जो चौंकाने वाली खबरें निकल के आ रही हैं वो सही में आपको इस समय पागल कर सकती हैं। सोचिए एक ऐसा बॉलीवुड इंडस्ट्री जिनको कल तक जो लोग देखते थे, जिनको अवार्ड मिलते थे, लोग खुश होते थे कि हमारे फेवरेट एक्टर को अवार्ड मिला, हमारे फेवरेट सिंगर को अवार्ड मिला, पर आज वक्त ऐसा आ गया है कि दुबई आईफा में जाकर फ्लॉप फिल्मों को भी अवार्ड दिए जा रहे हैं। और आपको याद है अक्षय कुमार जो है उन्होंने एक बार बताया था कि अवार्ड मुझे इसलिए नहीं मिलता क्योंकि अक्सर मुझे बोला जाता है अवार्ड शो में जब मैं जाता हूँ कि भैया अवार्ड ले लो या पैसे ले लो, तो मैं कहता हूँ पैसे ही दे दो, अवार्ड तुम रख लो। अब सवाल ये उठता है कि जो फ्लॉप फिल्मों को अवार्ड मिल रहे हैं तो क्या ये इसलिए अवार्ड मिल रहे हैं कि भैया पैसे हम नहीं चाहिए, हमको हमको अवार्ड दे दो। क्योंकि कहा जा रहा है कि एक फ्लॉप फिल्म बॉलीवुड में आई थी जिस फिल्म के एक्टर थे ऋतिक रोशन और उस फिल्म का नाम था विक्रम वेदा। विक्रम वेदा फिल्म आने के बाद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं, फ्लॉप हो गई थी, पर कहा जा रहा है कि ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल गया। और दूसरी तरफ आलिया भट्ट की एक फिल्म आई थी गंगूबाई, उस फिल्म में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिल जाता है आलिया भट्ट को। तो सोचिए ये वक्त आ गया है बॉलीवुड का। और इस चीज़ों से भी थोड़ा नीचे अगर हम चलें तो कहा जा रहा है कि मलाइका अरोड़ा खान जो थी, अब फिलहाल मलाइका अरोड़ा है, उन्होंने एक फ़ोटो शेयर करी और इस फोटो में उन्होंने शेयर कर दिया अर्जुन कपूर को। और किस तरीके से इस फोटो को हम पूरा तो आपको नहीं दिखा सकते, ब्लर करके दिखाएंगे, आप चेक कर लीजिए गूगल पर जाके इन्होंने क्या शेयर किया है। इस फोटो में अर्जुन कपूर आराम से बैठे हैं, सिर्फ उन्होंने अपना एक चीज को ढक रखा है। अब वो क्या है वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, पर कहा जा रहा है कि इस फोटो को शेयर करते ही लोगों ने ट्रोल कर दिया मलाइका अरोड़ा को, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये कपल है, कहा जा रहा है कि साथ घूमते हैं, और कहा जा रहा है कि ये लोग ऐसी ही प्यार भरी फोटो शेयर करते हैं। पर इतनी प्यार भरी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करना क्या मलाइका अरोड़ा का भारी पड़ गया है, क्योंकि लोगों ने अपनी अपनी प्रक्रिया दी है और लगातार इनको ट्रोल कर दिया। ट्रोल करते हुए इनको क्या कहा है आप खुद पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारी बातें इनको लोगों ने कही है, बहुत सारी चीज़ें इनको लोगों ने बोली हैं, जो ट्वीट्स हम आपके सामने दिखा देते हैं, लोगों ने ट्वीट करके या मैसेज करके या कमेंट्स करके इनको क्या बोला है वो आपके सामने चल रहे होंगे। सवाल ये उठता है कि आखिरकार बॉलीवुड की स्थिति इस समय कहाँ पहुँच गई है, जहाँ पर बॉलीवुड की फिल्में करोड़ कमाती थी, फिलहाल बॉलीवुड की फिल्में फ्लॉप होती हुई नजर आ रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि सही में क्या बॉलीवुड की फिल्मों को अवार्ड इसलिए मिलता है कि फिल्में अच्छी हैं, या फिर
जो अक्षय कुमार ने बोला था कि भैया पैसे लोगे या अवार्ड लोगे, इसीलिए अवार्ड मिलते हैं कि पैसे नहीं लेते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। साथ में आपसे अपील करेंगे कि आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं बहुत जल्दी।